भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 29 जून को हुए इस फाइनल मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया, जिसके बाद तो देशवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जहां आखिरी बॉल तक लोगों की सांसें अटकी हुई थी, तो वहीं जीतने के बाद चारों तरफ जश्न का माहौल देखने को मिला। इस पर टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल के अलावा कई सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और अपनी खुशी जाहिर की। सलमान खान ने एक्स हैंडल पर टीम इंडिया का एक पोस्टर शेयर कर लिखा, टीम इंडिया को बधाई। तो अर्जुन रामपाल ने भी एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कहा कि आखिरकार हमने फाइनल जीत लिया, मेरे लिए जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। सूर्य कुमार यादव ने अंडर प्रेशर में बढ़िया कैच लिया। हार्दिक पांड्या तो कमाल है ही, आखिरी ओवर में उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। सभी को बधाइयां। तो वहीं अजय देवगन ने भी ट्वीट कर लिखा, शब्दों में खुशी बयान नहीं की जा सकती, बधाई हो टीम इंडिया, आपने इतिहास रच दिया, ये जीत हमारे दिलों में बस गई है। तो वहीं कार्तिक आर्यन ने लिखा, टीम इंडिया जिसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, आज वर्ल्ड कप नहीं दिल जीत लिया हमेशा के लिए, टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। रूपाली गांगुली, शोएब इब्राहिम, गुरमीत चौधरी, युविका चौधरी, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, अली गोनी समेत कई सितारों ने अपनी खुशी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की। जब 27 जून को भारत फाइनल में पहुंचा था, तब भी सभी ने टीम से ट्रॉफी लाने की बात कही थी और वैसा ही हुआ। लोगों की दुआएं कबूल हुई और ट्रॉफी अपने घर आ गई। इसी बीच टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बहते आंसू उन आंसुओं के साथ जो टीम इंडिया बहाती है, वर्ल्ड चैंपियन इंडिया। बिग बी ने अपने व्लॉग में लिखा, एक्साइटमेंट, इमोशंस और आशंका, सब कुछ हो गया और खत्म हो गया, टीवी नहीं देखा गया, जब मैं देखता हूँ तो हम हार जाते हैं, दिमाग में कुछ नहीं आता। वेल, इसी बीच अमिताभ बच्चन की आंखें भी खुशी से नम हो गई, उन्होंने तो डर के मारे मैच तक नहीं देखा था। वेल, आपने टीम इंडिया की जीत का जश्न कैसे मनाया? अभी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।